जिंदाबाद 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 भारत माता की हर जनता जानना चाहती है कि 28 विधानसभाओं पे जो मेवाड़ के पूर्व नेता गुलाब चंद जी कटारिया का एक दबदबा रहता था, ऐसे में अब ऐसा भी कोई नाम नहीं है जो उन 28 विधानसभाओं को साध सके। ऐसे में कोई एक नया नाम जो आप सुझा सके आज चैनल के माध्यम से? नया नाम ही मेरे सारे कार्यकर्ता है जी, और इन्हीं के आधार पर मैं 28 विधानसभाओं से 28 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा इनकी ताकत से जी। मेवाड़ से ये विश्वास किया मैं चौथी बार प्रदेश को उपाध्यक्ष बनाऊँ जी, 4 times जी। और हमारे जो राज्यपाल असम के और यहाँ के कद्दावर नेता उनका पूरा आशीर्वाद है जी। आप चौथी बार उपाध्यक्ष बने हैं और प्रदेश मेवाड़ के लिए बड़ी खुशी का विषय है कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी मेवाड़ से ही हैं। ऐसे में इस बार 28 विधानसभाओं पे क्लीन स्वीप करने का देखेंगे कांग्रेस को? बिल्कुल, कांग्रेस को ऑल आउट फ्रॉम मेवाड़ जी, मेवाड़ से कांग्रेस को ऑल आउट। अब सीपी जोशी साहब जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है वो भी मेवाड़ से हैं जी, मुझे भी मेवाड़ से उपाध्यक्ष बनाया है जी। और इतना बड़ी ताकत से कह सकता हूँ कि मेरा पिछला अनुभव जिसमें कार्यकर्ताओं का स्नेह मिला है, अभी बांसवाड़ा सीधा आ रहा हूँ और बांसवाड़ा से आने में मुझे 5 घंटे लगे, रास्ते में कार्यकर्ताओं को इतनी खुशी और आत्मीयता मुझे मिली जिसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता जी। प्रदेश के एक बड़े ओहदे पर आप बैठे हैं, ऐसे में आज चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर पाएंगे कि इस बार भाजपा सरकार सोनी 200%, 200%, क्योंकि ये दावा तो अशोक गहलोत जी भी कर रहे हैं। अब ये तो जानते हो अशोक गहलोत जी क्या नहीं करे, वो तो 10 दिन कहाँ गए कि 10 दिन में हम ये सारा समस्याओं का समाधान करेंगे। ये जादूगर है और जादूगरी की छड़ी चला रहे हैं, अब जनता उनके ऊपर जादूगरी करने वाली है और मैं समझता हूँ कि ये सबको राहत दे रहे हैं, अब जनता उनको राहत देने वाली है जी। ये आराम करो आप। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गुलाब जी भाई साहब के जाने के बाद अब मेवाड़ और वागड़ की जो 28 विधानसभा है एक तरह से देखी जाए तो अभिभावक विहीन है, ऐसा कोई भी नेता नहीं है सर्वमान्य जो इन 28 विधानसभाओं पर इतना दबदबा रखता हो और वहाँ लोग उनकी बात भी मानते हैं, ऐसे में पार्टी का क्या स्टैंड रहे? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और समय के अनुकूल भी है। आदरणीय कटारिया साहब ने 45 साल तक कार्यकर्ता का निर्माण किया है और कार्यकर्ता चाहे वो उदयपुर में हो, चाहे बांसवाड़ा में हो, चाहे वो कोटड़ा में हो, चाहे वो चित्तौड़ में हो, कार्यकर्ताओं के निर्माण की जो श्रृंखला कटारिया जी ने की है इसलिए उनकी कोई कमी हमको खल नहीं रही है। उनके ही आशीर्वाद से आज देखिए छोटी सूचना पर इतनी संख्या में कार्यकर्ता, एक उपाध्यक्ष जी बनने पर बांसवाड़ा से बाजार रहे सुनील जी ग्रासिया का स्वागत कर रहे हैं, जनजाति क्षेत्र के यह उपाध्यक्ष वहाँ तक अपना प्रवास भी कर रहे हैं जी। इसलिए मेरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 28 यहाँ की भीलवाड़ा की 7, सिरोही की 3, ऐसे 38 सीटों में भारतीय जनता पार्टी भारी मोहन से चुनाव जीतेगी। कटारिया जी के आशीर्वाद से प्रत्यक्ष उपस्थित ना हो लेकिन उनके द्वारा दिए गए संस्कार से कार्यकर्ता बड़ी ताकत से चुनाव क्षेत्र में लगते हैं जी। एक मुख्य सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि पिछला जो चुनाव था जिसके अंदर हमने देखा कि मेवाड़ की जो 28 विधानसभा हैं उनमें बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, इस बार गुलाब जी भी नहीं है, तो ऐसे में अब की बार इन 28 में जो मेजर बहुमत आपके पास था क्या उसे बचा पाने में समर्थ है, क्योंकि एक तरफ अशोक जी दावा करते हैं कि वो पुनः सरकार बना रहे हैं। मैं आपको ये निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस का एक ही काम है झूठ बोलना, जोर से बोलना जी। आज की तारीख में ये जो उनका आपसी झगड़े से ध्यान हटाने का एकमात्र प्रयोग है इस संभाग में घूमना, इनका केवल हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये सिद्ध करने में उन्होंने समय निकाल दिया है। मेरा विश्वास है आपके चैनल पर मैं फिर बात करूंगा, इन 28 तो मेवाड़ की सीटें, 7 भीलवाड़ा की और 3 सिरोही की, इन 38 सीटों का हमने अध्ययन किया है, 38 सीटों पर आपको सीट वाइज हम आपको आकलन करके बता सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। यह कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि ये कटारिया जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, इतने वर्षों की साधना का कोई तो परिणाम मिलना चाहिए, आज उनकी अनुपस्थिति में कार्यकर्ता परिणाम देख बताएंगे। सबसे पहला सवाल आपसे कि गुलाब जी भाई साहब के असम के राज्यपाल बनने के बाद ऐसा कोई भी चेहरा नज़र नहीं आता जो 28 विधानसभाओं पर अपना दबदबा रखता हो,
इस विषय को कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है कि गुलाब जी भाई साहब अब मतलब जो चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं वो हमारे मन में तो है, लेकिन सरकारी हिसाब किताब से वो महामहिम बन गए, राज्यपाल बन गए अब असम के, तो जो सरकारी नियम होते हैं उस हिसाब से वो संगठन के साथ अब उठ बैठ नहीं सकते हैं जी। तो ये बात सही है कि हमारे मेवाड़ में जैसे कि गुलाब जी थे डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़ भीलवाड़ा राजसमंद वहाँ तक एक नेता थे कि गुलाबचंद जी कटारिया, मतलब सबको लगता था कि बहुत बड़ी नेता है, और जो भी दूसरे भी थे तो उनके पद चिन्हों पर चलते थे, उनकी बातें सुनते थे। अब वो नहीं है ओपन में, तो अब हर कोई बटन खोल के खड़ा हुआ है, मतलब हर व्यक्ति धर्मेंद्र बनने की होड़ में आ चुका है। हाँ देखो ये राजनेता है, मान लो जो कंपटीशन है, मान लो छोकालाल भोई मेरा नाम है, तो मेरी उम्र के कई सारे नेता अब आजकल विधायक की लाइन में है जी, तो वो कई लोग हैं। गुलाब जी अपने आप में उस जमाने के थे जब भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की स्थापना हुई थी तब के नेता थे जी। अब जो नए नए नेता है, अगर वैसे भी कोई न कोई तो चेंजिंग होता ही है जी। तो अब लाइन में है कई सारे लोग नेता या लाइन में है अब तो, लेकिन उस लेवल के कोई भी नहीं जी। अब उस लेवल के मान लो हमारे उदयपुर चित्तौड़ के सांसद है जैसे सीपी जोशी, पर उनकी तो चित्तौड़ में खुद की नहीं चल रही है यार, ये कैसे बोल रहे हो नहीं चल रही है यार? कई बार ऐसा देखने को मिला है कि चित्तौड़ के लोग भी उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, और मेवाड़ में भी कई जगह उनको दरकिनार करा करा। नहीं कोई दरकिनार नहीं है यार, संगठन ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आदमी चाहे कुछ भी सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। मेवाड़ के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी को बना रखा है जो हमारे चित्तौड़ के सांसद है, तो यानी कि पार्टी ने कुछ देखा जब उनको इतना बड़ा पद दिया यार। पार्टी ने सीपी साहब को बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, चुन्नीलाल जी गिरसा साहब को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, ऐसे में मेवाड़ से दो बड़े नाम प्रदेश के दो बड़े ओहदों पर बैठे हैं। हाँ। तो जो पिछली बार का रिकॉर्ड था भारतीय जनता पार्टी का मेवाड़ की 28 सीटों पर, क्या उसे बचा पाएंगे? हाँ इस बार जो गहलोत सरकार है वो उसको आप भ्रष्ट सरकार कह सकते हो। वो तो दावा कर रहे हैं वापस सरकार। अरे उसे दावा करने से क्या होता है यार, दावा तो हर कोई कर लेगा यार। दावा का मतलब कितने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं यार, वो कोई पकड़ाया आदमी आरपीसी का चेयरमैन पकड़ाया है, रोज कोई कोई कितने रोज ट्रैप हो रहे हैं, कोई पटवारी ट्रैप हो रहा है, कोई आरआई ट्रैप हो रहा है, तो इतना भ्रष्टाचार कभी होता है क्या यार? और खुद राजस्थान सरकार की ये जो दिनेश एनएम की टीम है कई सारे भ्रष्टाचारियों को रोज पकड़ रही है यार, तो यार इतना भ्रष्टाचार कभी होता है क्या यार? तो यानी कि ये तो भ्रष्टाचार की सरकार हो रही है इसका मतलब। और फिर अशोक गहलोत और वो सचिन पायलट आपस में लड़े हुए हैं, लड़ाई तो आपकी पार्टी में भी है वसुंधरा जी की और राजेंद्र जी राठौड़ की। देखो कंपटीशन है, बराबर के नेता है तो कोई न कोई तो कुर्सी पे बैठने के लिए लड़ेगा जी। लेकिन यूँ आमने सामने थोड़ी लड़ रहे हैं कि वो 25 विधायक लेके जैसे सचिन पायलट अलग होटल में चला गया, वो कह रहा है कि तो अशोक जी गहलोत उनको कह रहे हैं कि ये क्या समझता कल का आया हुआ, ऐसी ओछी भाषा हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, छोकालाल जी भोई साहब ये आश्वस्त कर पाएंगे क्या कि उदयपुर का जो 20 साल से अभेद किला रहा है उदयपुर विधानसभा सीट, क्या इसे इस वर्ष भी बचा पाएंगे बिना गुलाब जी की उपस्थिति में? 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत दम है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन उदयपुर से किसी को भी टिकट देगा वो निश्चित रूप से जीतेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कारण के समीकरण है, अब कांग्रेस के पास भी कहाँ नेता है, हमारे पास तो बहुत से कार्यकर्ता हैं, 8-8, 10-10 दावेदार। अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे उदयपुर में विधानसभा के कई दावेदार है, कांग्रेस में कहाँ दावेदार है? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि यार हमारे पास तो नहीं है, कहीं बाहर से आएगा हमारा नेता जी। तो भारतीय जनता पार्टी उदयपुर से MLA जीतेगा। एक मुख्य सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, उसके बाद उनका कार्यकारिणी विस्तार करा तो चुन्नीलाल जी गिरसे साहब को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, ऐसे में दो टॉप सीटें मेवाड़ के पास आई है, क्योंकि हमेशा मेवाड़ राजस्थान में सरकार लाने में सहायक होता है, और हमेशा हमारे परम आदरणीय गुलाब जी भाई साहब इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। मेवाड़ में अभी गुलाब जी भाई साहब को राज्यपाल बना दिया गया है, तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई ना कोई एक बड़ा लीडर नेतृत्व करने के लिए चाहिए था, तो उसके लिए हमारे यहाँ से सीपी जोशी जो हमारे युवा नेता हैं
उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उन्हीं के साथ आज जिन सुनीलाल जी गरासिया की आप बात कर रहे हैं वो पिछले 30 साल से पार्टी में सक्रिय हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और पूरे ही संभाग और इसी से चिर परिचित हैं। पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं इसके एसटी मोर्चे के। इन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टी के हमारे नेतृत्व ने उनको चुना है और ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। तो पार्टी ने एक आदिवासी नेता को पुनः जागरूक करके और सत्ता वापस लाने का एक प्रयास किया है जी। क्या आपको लगता है कि गरासिया साहब गुलाब जी के रिप्लेसमेंट के रूप में उन्हें ये पद दिया गया है? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी कार्य क्षमता देखी जाती है जी। सुनीलाल जी की कार्य क्षमता अलग है और गुलाब जी भाई साहब की कार्य क्षमता अलग है। जब गुलाब जी भाई साहब से कंपैरिजन तो करने का कोई चांस नहीं है, पर सुनीलाल जी की कार्य क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उनको चुना है। सुनीलाल जी को भी कोई अभी के लीडर नहीं है, सुनीलाल जी को भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस चुनाव राजनीति का और सुनीलाल जी पर भरोसा जीता है। हमारी पार्टी का आप एक ही रहे, पूरा शहर इनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुआ है और शहरवासी शहर के भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है जी। एक सवाल और जानना चाहते थे आपसे कि पिछली बार मेवाड़ की 28, मेवाड़ और वागड़ की 28 सीटों पर बीजेपी का बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन रहा था, क्या इस बार भी उस प्रदर्शन को रिपीट कर पाएंगे या फिर कुछ बदलाव देखते हैं? देखिए राजस्थान सरकार 4.5 साल तक तो लड़ती रही जी और लड़ झगड़ कर उन्होंने एक दूसरे को राजस्थान का तो कोई भला नहीं किया। अब क्योंकि 6 महीने रह गए चुनाव के, अशोक गहलोत को लगा मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। पहले भी उनके नेतृत्व में जब राज्य सरकार चली थी तो उसके बाद 21 के करीब विधायक आए थे, पर एंटी इनकम्बेंसी चाहे वो कितनी रेवड़ियाँ बांट दे जनता ने मन बना लिया है ज़बरदस्त ढंग से। आपूर्ति मेवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान में घर चली हुई है कि इस बार बीजेपी का शासन लाना है और बीजेपी का ऐसा युवा मुख्यमंत्री बनाना जो राजस्थान में नरेंद्र मोदी का केंद्र में कंधा से कंधा मिला के चले और राज्य का विकास करे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान और मेवाड़ में जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं बीजेपी का आपको देखने को मिलेगा जी। एक छोटी सी सवाल का जवाब और दें कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष साहब शायद 48 से 49 वर्ष की उनकी उम्र है, 47 साल की उनकी उम्र है और ऐसे में क्या युवा शक्ति को आगे आने का भरपूर मौका मिलेगा इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि एक युवा को प्रदेश अध्यक्ष 47 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्य क्रियाकलाप को देखते हुए बनाया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो अपने आप अंडरस्टूड बात है कि युवाओं को आगे मौका दिया जाएगा, विधानसभा टिकट में भी युवाओं का पूरा योगदान रहेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा 75 साल का एज लिमिट कर दी है, येदियुरप्पा को भी इस्तीफा दिलवा दिया गया है, तो आगे भी पूरा युवाओं को मौका मिलने का आसार है और युवाओं पर ही पूरा भारत देश टिका हुआ है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि युवाओं को पूरा मौका मिलेगा।